आप मेरी बोलती बंद करोगे? आपकी औकात क्या है? निकलो यहाँ से। बाबूजी, तुम पागल हो? ये क्या कर रही हो? निकल जा मेरे घर से बुड्ढे, काम का ना काज का, दुश्मन ना नाज का। अरे बेटा, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने क्या गलती कर दी? गलती? तुम्हारी गलती यही है कि जिस उम्र में बूढ़े कब्र में सो जाते हैं, तुम यहीं पड़े हो। बेटा, जन्म मरण तो भगवान के हाथ में है, तो क्या मौत आने से पहले ही मर जाऊं? हाँ तो मर जाओ ना, ये तो एहसान होगा हमारे ऊपर, कम से कम बोझ तो नहीं बनोगे। बेटा, बुरा मत मानना। चलो मैं मानता हूँ मैं इस घर पे बोझ हूँ, पर तुम्हें किसने हक दिया मुझे घर से निकालने का? अरे ये घर तो मेरे बेटे का है। बेटा था वो आपका शादी से पहले, अब वो मेरा है, उसका ये घर भी मेरा है, उसकी प्रॉपर्टी भी मेरी है, आपका कुछ नहीं है, चलते बनो यहाँ से। पानी तो पानी होता है, वो चाहे आरओ का हो या तालाब का। अरे मेरा बेटा तो हीरा है हीरा, वो किसी के लिए भी अपने बाप को नहीं छोड़ सकता। अरे बाबू जी भूल जाओ, वो जमाने तो गए जब बेटे बाप के लिए जान दिया करते थे, आजकल की औलादे तो लुगाई की उंगलियों पे नाचती है। अरे बेटा, चाहे जमाना कुछ भी हो, मैंने अपने बेटे को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे वो इस कलयुग का शरवण कुमार है, शरवण कुमार। अरे बाबू जी आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, जब औरत की अदाएं चलती है ना, बड़े बड़े शरवण कुमार फेल हो जाते हैं। अदाएं दिखाने तो सूर्पनखा भी आई थी राम जी को, पर राम जी अपने पद से नहीं डिगे। मैं मानता हूँ कि आदमी औरतों की उंगलियों पे नाचता है, पर हर आदमी एक जैसा नहीं होता। बाबूजी बड़ी बड़ी बातें करने से दुनिया नहीं चलती, ये सब बातें पुराने जमाने में होती थी, आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, ये कलयुग है कलयुग। चाहे तुम मुझे कुछ भी कह दो, पर मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे बेटे को आने दो, वो ही करेगा तुम्हारी बोलती बंद। आप मेरी बोलती बंद करोगे? आपकी औकात क्या है? निकलो यहाँ से। बाबूजी, तुम पागल हो? ये क्या कर रही हो? मैं वो आप यहाँ पे कैसे? आप तो 10 दिन बाद में आने वाले थे ना, और वो बाबूजी वो गलती से धक्का लग गया था। मैं तो यहाँ पे जो भी करने आया हूँ, तुम तो ये बताओ बाबूजी को धक्का कैसे लगा? अरे बेटा ये क्या बताएगी, मैं बताता हूँ तुझे। अब बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हारे बम्बई नौकरी पर जाने के बाद मैं एक दिन भी चैन से नहीं रहा। इस बहू ने तो मुझे नौकर बना के रख रखा था। अरे घर के सारे बर्तन कपड़े धोना क्या नहीं किया, और मैंने कई बार सोचा कि तुम्हें फ़ोन कर दूं, पर बेटा फ़ोन इसलिए नहीं किया कि मैं तुम्हें फ़ोन करता तो तुम्हें दुख पहुंचता और तुम दोनों के बीच में मनमुटाव होता, तो मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था। अब बेटा मेरा क्या है, मैं तो कुछ दिनों का और मेहमान हूँ, चले जाऊँगा। मैं तो ये चाहता हूँ तुम दोनों सुखी रहो। बाबूजी मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से आपको इतना कुछ सहना पड़ा। मैंने तो इससे प्यार किया था, मुझे नहीं पता था प्यार की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे। बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सबके अपने अपने कर्म है, सब भगवान देख रहा है। चलो बाबूजी आओ। चल बेटा। जमाना चाहे कैसा भी हो, जो औलाद अपने माँ बाप से प्यार करती है, उसकी इज्जत करती है, वो हर जमाने में उसकी इज्जत करेगी और उससे प्यार करेगी। शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों, अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो।